Everyone, today we are going to solve a memory based data interpretation from the RRB PO 2019 question paper. So this is the data interpretation. This is a bar graph, and first we will read what is the data given. That in the bar graph, total number of employees are given and the number of female employee are given. Then we have to read the data carefully and then answer the following questions. So the two colors are there. Blue is for the total number of employees, means male and female both, and red is for only female employee. So my subtracting the female value from the total value, we will get the number of male employees. So now I am going to write all the values so that you will be able to understand. तो सबसे पहले ये डेटा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, ये बार ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है. इसमें है कि ये जो ब्लू कलर से दिए हैं, मींस इस तरफ, ये हैं मेल और फीमेल दोनों, यानी ये कंपनी में मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे हैं, तो उनका नंबर दिया हुआ है ब्लू कलर के ग्राफ से, बार से. और जो रेड कलर है वो दिया हुआ है उस कंपनी में कितनी फीमेल हैं, कितनी लेडीज़ हैं. तो अगर हमें मेल निकालना है तो हम टोटल में से फीमेल को माइनस कर देंगे. टोटल माइनस फीमेल, तो हमें मिल जाएगा मेल्स. वी विल गेट मेल्स. सो मेल इज़ नॉट गिवन इन द ग्राफ डायरेक्टली, वी हैव टू कैलकुलेट. सो दिस इज़ वेरी इजी. दिस इज़ अ पीओ प्री, और वी कैन से इट कैन आस्क इन क्लरिकल आल्सो, बिकॉज द कैलकुलेशन इज क्वाइट इजी. ओनली यू हैव टू बी वेरी फास्ट फॉर द कैलकुलेशंस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे. So now I am going to make this graph more zoom. अब हम यहाँ values लिखते हैं. तो सबसे पहले हम A से value लिखेंगे. तो पहले total number of people जो हैं, we will see blue here, it is 300. So total is 300. And then यहाँ पर देखते हैं कि जो red color है, female है, वो है 100 से ऊपर, और 150 से काफ़ी है, दोनों के बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा नीचे है, तो ये है 120. तो जो यहाँ पे फीमेल दिए गए हैं, फीमेल वो है 120. तो फीमेल दिया हुआ है 120. तो हम जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके वी विल गेट 180. सो 180 इज़ द मेल. तो फर्स्ट लाइन पे आई एम राइटिंग द टोटल, देन फीमेल, and then we are writing male. So 120 and 180. Now similarly for B, the total number of people or the total number of employees 320. Then for female it is here, means more than 150, slightly more, it is 160. So number of female is 160. Now number of male we are subtracting it. So male we will get 160. 320 minus 160, we will get 160. Now the third company is C, and C has total number of employee is 340. So C has 340 total number of employee, and female are less than 150, female are 140. 140 are female, so subtracting this we will get male as 200. Now next is company D, and for D total number are this 400. So total is 400. Then female are 230, this much. So female is 230. Now subtracting this we will get male as 170. Now last company is company E. So total is more than 350 and less than 400, total is 380, and female is here 240, and male, subtracting this we will get 140. So male is 140. तो अब हमने इस ग्राफ में क्या किया कि हमने डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया. एग्ज़ाम में अगर बहुत ही सिंपल है तो हम तुरंत क्योंकि हमारा, और चाहे तो आप कंप्यूटर में ही सामने ही देख के वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में
आपको सॉल्व करके दिखाना था, इसीलिए मैं बार बार हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्क्रीन पे आके फिर बाद वाले स्क्रीन में नहीं आ सकती, इसीलिए मैंने इकट्ठे ही यहाँ पे सब आपको बता दिया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो वैसे ही सारी वैल्यूज़ को हमने प्लॉट किया है कि अगर ए में टोटल एम्प्लॉय 300 हैं और उनका फीमेल दे दिया है 120, तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेल निकल आएगा 120। सिमिलरली हमने बी का निकाला, सी, डी और ई का निकाल दिया, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। टोटल में से फीमेल को माइनस करके मेल एम्प्लॉयज़ निकल गया है। तो अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और यहाँ पे इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव प्लॉटेड दिस ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। सो द कंपनी इज दिस, मीन्स कंपनी इज़ ए बी सी डी एंड देन टोटल एम्प्लॉय आई हैव डन इट हेयर एंड फीमेल विच वॉज ऑलरेडी गिवन एंड देन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट आई हैव रिटन मेल। तो मैंने उस पूरे ग्राफ को एक टेबल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया है ताकि अब सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ 10% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ए, सो 10% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम ए एंड 20% ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम सेम ऑर्गेनाइजेशन आर सिलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट, देन वॉट इज़ द सम ऑफ पीपल हु आर नॉट सिलेक्टेड। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वॉट इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर सिलेक्टेड। सो 10% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम ए, सो ए फीमेल इज 120 एंड 10% हाउ कैन वी कैलकुलेट। सो दिस मेथड इज़ लाइक 120 देन 10 डिवाइडेड बाई 100 देन वी आर कैलकुलेटिंग इट एज 12। सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड, इट विल टेक वेरी मच टाइम। सो द क्विकेस्ट मेथड टू सॉल्व इज इफ दिस इज़ अ नंबर एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट्स 100%। सो 100% मीन्स फुल नंबर, सो दिस होल नंबर विल बी द 100%। सो इफ 10% इज कैलकुलेटेड सो वी विल मार्क लाइक दिस, मीन्स अल्टीमेटली 10 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 10 इज कैंसल विद 10 एंड सेकेंड जीरो इज कैंसल विद दिस। सो 1 टू द लेफ्ट ऑफ नंबर मीन्स फ्रॉम दिस वी हैव टू कैलकुलेट द 10%। नाउ इफ 1% इज आस्क्ड, सो 1% मीन्स हियर वी विल गेट 10%, सो वी विल मूव वन मोर लेफ्ट, सो दिस लाइक 1.2, सो 1.2 इज 1% ऑफ 120। सो दिस इज दीज आर सम ट्रिक्स विच वी हैव टू कैलकुलेट फॉर फास्ट कैलकुलेशन। मीन्स हमें यहाँ पे कन्वेंशनल वाला मेथड नहीं अपनाना है कि 120 के लिए हमें पूरा 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 और उसके बाद 100 करना है, ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमें इसे जल्दी करना है कि जब भी कोई नंबर यहाँ दिया हुआ है तो हमें वहाँ पे राइट साइड से एक छोड़ के जो होता है ये उसका 10% होता है, यही अगर उसका 1% दिया है तो उसे एक और राइट साइड से छोड़ेंगे तो 1.2 हो जाएगा इसका 1%, लेकिन यहाँ पे 10% दिया है तो 12 इसका 10% है। तो नाउ लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज 10% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम ए, सो 10% इज 12, सो 12 इज टेकन, देन 20% of number of male employee from same organization. So we have calculated the difference. So 180 is the total number of male. So 20%, the fraction is 1/5. 20 is the percent and fraction is 1/5. So 1/5 of 180. 1/5 of 180 is 5 × 3 = 15. And 5 × 3 = 30. 36 is 1/5. So 12 + 36. This is the number who are selected. So 48 is a number who are selected. So now the number of people who are not selected, male female means total is already given 300. So 300 minus 48 is the number of people who are not selected. So 252, after subtracting we will get 252, which is B. So B is the correct answer. To yahan pe kya kaha gaya hai, यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले कहा कि 10% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय यानी जो फीमेल्स हैं लड़कियाँ हैं उसका 10%, तो वो हो जाएगा हमारे पास 12, और 20% मेल एम्प्लॉय उसी ऑर्गेनाइजेशन से यानी ए ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं
तो उसी का मेल का 20%। सो 20% जो है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 1/5 हमें किसका लेना है, 180 का, क्योंकि जो मेल है वो 180 थे। तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे 1/5 से तो हमें आएगा 36। तो 12 और 36 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा। ये 48 हैं जिन्हें कि सिलेक्ट किया गया है उस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन हमें निकालना है कि उनका नंबर जिन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो टोटल एम्प्लॉय यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 300, तो 300 में से 48 घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, जो हो जाएगा 252। तो जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी है। नाउ दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द सेकेंड क्वेश्चन ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें। तो सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द मेल एम्प्लॉय इन सी एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन सी एंड डी टुगेदर। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि जो मेल एम्प्लॉय है सी के और सी और डी के जो टोटल फीमेल्स हैं उनके बीच का रेशियो कितना है। तो हम अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन सी। तो सी में सबसे पहले मेल, तो यहाँ टोटल दिया है, ये है फीमेल और ये है मेल जो हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया था, विच वी हैव ऑलरेडी डन वाइल सब्ट्रैक्टिंग। तो ये है 200, तो 200 रेशियो चाहिए इसलिए पूरी वैल्यू यहाँ 200 करके रखेंगे। दूसरी तरफ एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सी एंड डी टुगेदर, तो सी में फीमेल इज़ 140 एंड डी में फीमेल इज़ 230। तो यहीं पे हमें जोड़ लेना है 4 and 3 7, 2 and 1 is 370। सो 140 प्लस 230 इज़ एडेड, देन वी विल गेट 370। सो 200 and 370 द रेशियो इज़ 0 0 कैंसिल। नाउ 20 and 37 इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इट कैन नॉट बी डिविजिबल बिकॉज 37 इज़ अ प्राइम नंबर। सो 20 to 37 इज़ अ रेशियो, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सिंपल कहा गया था कि जो मेल हैं सी के, यानी सी में जो मेल है वो, सॉरी ये तो फीमेल है, सी में जो मेल है वो है 200। तो 200 का रेशियो सी और डी की जो फीमेल्स हैं यानी 140 और 230 इनका जो सम है उसके रेशियो के कितना होगा। तो इनका सम हो जाता है 370। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 20 is to 37, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर बनता है। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो अब इस थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, टोटल मेल इन बी एंड सी टुगेदर इज़ व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इन ए। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है कि बी और सी में जो टोटल मेल है, यानी कि टोटल मेल इन बी एंड सी, तो वी रिक्वायर द सम ऑफ मेल्स इन बी एंड सी। सो 160 and 200, 160, 200 is 360. तो बी सी का मेल इज 360। इज़ वॉट परसेंट मोर, ये कितने परसेंट मोर है देन द नंबर ऑफ फीमेल इन ए। तो पहले हमें फीमेल इन ए चाहिए, वी रिक्वायर फीमेल इन ए, फीमेल इन ए इज़ 120। सो नाउ वेन एवर परसेंट मोर इज़ आस्ड, सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस। सो 360 and 120, द डिफरेंस इज 240। सो इतना मोर है, इफ़ परसेंटेज इज़ नॉट आस्ड देन 240 वुड बी द आंसर, बट सिंस परसेंटेज इज़ आस्ड सो 240 देन डिवाइडेड बाय व्हाट वी आर टेकिंग एज अ बेस मीन्स मोर देन नंबर ऑफ फीमेल। सो नंबर ऑफ फीमेल इन ए विल बी टेकन एज अ बेस, सो द नंबर ऑफ फीमेल इज़ 120। तो 120 इज़ द बेस, दैट इट इज़ हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल। सो द बेस इज़ टेकन एट द बॉटम and percentages, so we have to multiply it by 100. So similarly, we will cancel this and 12 2s are 24, so 200, 2 and 200 is the correct answer. Now C is the correct answer. तो मैंने यहाँ पर ये समझाया कि जब भी हमें यहाँ पर निकालना है कि जो B और C के मेल हैं वो कितने परसेंट ज़्यादा हैं A से, तो पहले हम B और C का वैल्यू निकालेंगे। तो B और C के मेल थे 160 और 200 का सम, तो इनका जोड़ पहले तो आएगा 360, इनको जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा।
फिर वो कितने परसेंट ज़्यादा है फीमेल ने, ए में जो लड़कियां हैं, तो ई में लड़कियां पहले तो 120 हैं, तो वो अगर कहा होता कि कितने ज़्यादा हैं तो सीधे डिफरेंस निकालते, लेकिन यहाँ परसेंटेज का है, ज़्यादा या कम कुछ भी करे तो पहले हमें उसे सब्ट्रैक्ट करके ही देखना पड़ेगा। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 240 हमारा सब्ट्रैक्ट आता है। लेकिन अब यहाँ पे बेस किसको रखें, मींस जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो नीचे में एक बेस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बेस है वो जो भी बाद वाली वैल्यू है, मींस किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो पूछा गया है कि मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल, यानी जो फीमेल इन ए है यानी ये 120, उससे कितना ज़्यादा है उन दोनों का सम, तो उसे बेस मानेंगे, तो उसे नीचे रख देंगे 120, और फिर 100 से तो वही मल्टीप्लाई करेंगे तभी परसेंटेज निकलता है। तो 120, 12 की टेबल में 2 बार में 24 आता है, तो 2 × 100 यानी कि 200 जो सी है वो हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इज, इफ 30% मेल इन ए एंड 40% मेल इन ई आर पी जी, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पी जी इन ए एंड ई। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मेल जो हैं ए के 30% और 40% मेल ई के पी जी हैं, तो कितने मेल पी जी हैं, यानी कि सिंपली जो परसेंटेज की वैल्यू है वो निकाल के हमें बस ऐड कर देना है। तो मेल इन ए, ए मेल इज 180 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द 30%। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई टोल्ड यू ऑल दैट 10% इज सपोज 180, 1% इज 180 इज़ द टोटल वैल्यू, तो 100% होगा वो नंबर यानी 180, 10% होगा उससे एक ज़ीरो पहले यानी कि 18, तो 18 जो है वो है हमारा 10%। तो अब 30% पूछा है यानी कि इसका 3 times, तो 3 times यानी कि 18 × 3 = 54, तो 54 इज़ द 3 times 30%। सो वी कैन डायरेक्टली राइट 54, 30% मेल ऑफ ए ये आ जाएगा 54। नेक्स्ट पूछा है 40% ऑफ मेल इन ई, ई में 140 इज मेल, सो सिमिलरली 10% हो जाएगा 14, सो 14 × 4, 14 × 4 = 64, सो 64 इज दिस। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर, सॉरी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, 40% ऑफ मेल वॉज आस्क्ड, सो 30% ऑफ मेल इन ए इज 18, दिस 54 इज करेक्ट, सो 54 इज दिस। नाउ 140 एंड 4, सो दिस इज 56, आई डिड 64 रॉन्गली, सो 54 एंड 56, नाउ वी हैव टू ऐड दिस, सो 50 50 100, एंड देन 4 + 10 इज 110, मीन्स यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट वेरी फास्टली, सो 110 इज़ द आंसर सम ऑफ 54 एंड 56, तो ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मेल जो है ए के उसका 30% पहले तो कितना होगा हमें वो निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि जब भी कोई एक नंबर होता है तो वो अगर 100% है तो वो पूरा नंबर है, तो 10% उससे एक ज़ीरो से पहले हो जाएगा, तो ये 18% जो है ये उसका 10% है। लेकिन यही अगर हमें 30% निकालना है तो हम इसे 3 times कर देंगे, तो 3 times का मतलब है ये वैल्यू भी 3 times, तो 18 अगर 10% की वैल्यू है तो 54 जो है वो उसके 30% की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो हमें यहाँ पे 54 निकल आया, तो ये इसकी वैल्यू 54 है। अब इस पोर्शन की वैल्यू 40% ऑफ ई, तो ई का भी मेल है 140, इसका 10% कितना होगा 14, तो 10% जो है वो हो जाएगा 14। यही अगर इसका 40% यानी इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारा 56। तो ये 56 था और इससे हमें 54 मिला था, फिर इन दोनों का सम जोड़ के 110 हो जाएगा, तो